नगर पंचायत ढाकिया में निशुल्क लगाया गया आंखों का शिविर। मुरादाबाद जनपद के नगर पंचायत ढाकिया में आज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मोहम्मद याकूब एडवोकेट के आवास पर आज राम रहीम हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा निशुल्क आंखों का कैंप लगाकर जांच की गई। आपको बताते चले कि नगर पंचायत ढाकिया से चुनाव लड़ रहे मोहम्मद याकूब एडवोकेट द्वारा काफी लंबे समय से नगर के लोगों के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इससे पहले भी मोहम्मद याकूब एडवोकेट द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिए आंखों का कैंप लगाकर निशुल्क जांच कराई गई, जिसमें कुछ व्यक्तियों का पूर्व में लगाए गए कैंप द्वारा निशुल्क आंखों का भी ऑपरेशन किया गया। आज फिर नगर पंचायत ढाकिया में मोहम्मद याकूब एडवोकेट के आवास पर राम रहीम हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें आंखों में मोतियाबिंद, लाली, नाखूना आदि की निशुल्क जांच की गई, जिसमें 30 मरीजों को निशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। अपने नगर वासियों के लिए मोहम्मद याकूब एडवोकेट सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वही मोहम्मद याकूब ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति मेरे नगर में ऐसा है जिसे आंखों से कम दिखता हो और देखने में परेशानी हो और वह आर्थिक तंगी की वजह से अपनी आंख का ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूं और पूरा खर्च मेरी जानिब से किया जाएगा। आज कैंप के माध्यम से ऐसे 30 मरीज सामने आए जिनका ऑपरेशन मेरे द्वारा राम रहीम हॉस्पिटल मुरादाबाद में किया जाएगा। इस कैंप में आज लगभग 250 से अधिक की संख्या में आंखों के मरीज अपनी जांच कराने के लिए नगरवासी पहुंचे, जिसमें चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद याकूब एडवोकेट की नगरवासियों ने काफी सराहनीय कार्य बताते हुए उनकी प्रशंसा की। तो वही मोहम्मद याकूब एडवोकेट ने भी लगन के साथ मरीजों की जांच कराई। आंखों का कैंप लगवाया गया याकूब विभाग द्वारा जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, और इस समय कैंप का आयोजन हो रहा है, चल रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोग जो है यहाँ पर आंखों का टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी आंख है आंखों में लेंस पड़ना है मोतियाबिंद का, वो बिल्कुल फ्री निःशुल्क याकूब वकील पढ़वाएंगे। और इस समय जांच सकती हुई सभी जितने भी ढकिया नगर पंचायत के मोबतिया के वासी हैं, सभी लोग जो है ये इस समय अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए और लेंस करवाने के लिए आए हैं। ये सराहनीय काम है याकूब।